सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज आप लोग का डिपार्टमेंटल का एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो इस बार वर्मा के इस पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है? तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखता है? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट आप लोग को बनाना है, दो डिपार्टमेंट है, ठीक है बच्चों? देखिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा। दो डिपार्टमेंट है, सॉरी तीन डिपार्टमेंट है, टेलीविजन डिपार्टमेंट, बी टेप रिकॉर्डर है, डिपार्टमेंट सी सर्विस आफ्टर सेल, ठीक है? अब क्या लिखता है? सेल ऑफ टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर शोरूम में किया जाता है। कहां किया जाता है? शोरूम में, और उसके बाद शोरूम के बाद सर्विस डिपार्टमेंट अलग है। लिख रहा है क्या नीचे में? सैलरी एंड वेजेस। देखिए सैलरी एंड ज्वाइंट एक्सपेंसेस का नीचे में दे दिया है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैलरी को बांटना है 2:2 में शोरूम और वर्कशॉप में, और फिर शोरूम में हम लोग को बांटना 1:3 में। बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? रेंट 500 रुपया पर मंथ है। कितना मंथ है? 500 रुपया पर मंथ। तो ध्यान दीजिएगा अच्छा से। और उसके बाद क्या लिखता है? मिसलिनियस एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस इट फॉर द हाफ ईयर इंडेड। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हाफ ईयर इंडेड है, ठीक है? कितना ईयर इंडेड है? हाफ ईयर। तो ध्यान देना है यहाँ पर सबसे पहले, तो जो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हम पहले ही लिख दिए, जैसे परचेज सेल्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों जोड़ के इधर जो कम हुआ हम लोग का ग्रोस प्रॉफिट, जो ग्रोस प्रॉफिट सीडी होता है वही हम लोग के लिए क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट बीडी। आप लोग को इस क्वेश्चन में बच्चों ज्यादा जानना क्या जरूरी है कि जो सैलरी साथ में दे दिया है, रेंट साथ में दे दिया है, सैलरी एक्सपेंसेस एक साथ दे दिया है, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है, सैलरी एंड वेजेज है कितना? 48,000। देखिए ध्यान से यहाँ यहीं पर बना देते। देखिए सैलरी एंड वेजेज है 48,000, ठीक है? सैलरी एंड वेजेज कितना? 48। पहले इसको दो भाग में बांटने बोला है, ठीक है? एक शोरूम, किसमें बांटने बोला है? शोरूम में, और एक हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है? और रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चों? 2:1। देखिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, 2:3 और 1:3। 2:3 किसका? 48,000 का, ठीक है? तो 32,000 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 16,000, ठीक है? चलिए सर्विस तो इकलौता सर्विस है, इसमें तो हम लोग 16,000 लिख देंगे, क्लियर? लेकिन ये 32,000 अब ये दोनों में कैसे बांटेंगे, क्योंकि शोरूम में दो डिपार्टमेंट है, इसमें कैसे बांटेंगे? तो फिर बांटने का रेशियो दिया 1:3। कितना दिया बच्चों? 1:3। तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए हम लिख लिख के समझा रहे, ठीक है? अब इसको जो 32,000 इसको 1:3 में बांट दिए, 3 और 1 4, मतलब 1/4 3/4 किसका? 32,000 का। तो यहाँ हो जाएगा 8,000, और जो बांटने तो सबको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बताते हैं। 32,000 × 1/4 32,000 × 3/4 ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है? रेंट। रेंट 500 रुपये पर मंथ है, ठीक है? रेंट हम लोग का कितना है? देखिए ध्यान से, रेंट हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट का, यहाँ एक चीज सबसे ज्यादा गलती क्या होता है, 500 रुपये पर मंथ है लेकिन 6 महीना का ही है। तो 500 × 6 महीना का, 500 × 6, 6×5=30, 3,000 तो फिक्स हो गया कि हम लोग का रेंट इसका हो गया, ठीक है? रेंट किसका हो गया? अब इसका टोटल रेंट वहां कितना दिया हुआ है? 12,000, ठीक है? टोटल रेंट कितना दिया हुआ है? 12,000 में से 3,000 तो चल गया सर्विस डिपार्टमेंट का, तो बचा 9,000। अब 9,000 को दो भाग में बांटना है, ए और बी में, देखो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है? इक्वली बोला, ठीक है? तो 4,500 हो जाएगा, और इसी रेशियो के लिए हम समझा रहे हैं बार बार, ठीक है? रेंट क्या बोला कि सर्विस डिपार्टमेंट का 600 रुपये पर, 500 रुपये पर मंथ, तो 6×35, 6 महीने का 3,000 हो गया। टोटल रेंट हम लोग का कितना दिया हुआ है? तो टोटल रेंट हम लोग का दिया हुआ है हम लोग का 12,000। 12,000 में हम लोग को पता चल गया 3,000 स्क्वायर, इसका मतलब दोनों का मिला के 9,000 होगा। अब ये दोनों का हम लोग को रेशियो चाहिए, तो रेशियो दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला? मिसलेनियस एक्सपेंसेस को बोला सेल्स रेशियो बांट दीजिए। तो सेल्स रेशियो देखिए यहाँ पर 25 से सबको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ना, 25×150, 25×100 और 25×6=4 और 1, और टोटल कितना दिया हुआ है? 11,000 तो दिया हुआ ही है, तो बांट देंगे 6,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा और 1,000 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों? अब इसको हम लोग को नेट लॉस और नेट प्रॉफिट निकाल देना है, क्या? तब किसका? जिसका तो ए का तो दिख रहा है, नेट प्रॉफिट आएगा 63,000, ठीक है? 63,000 यहां भी लिख देना, ठीक है? 63,000 में से चल गया कितना? 8,000, 4,500 और 6,000। एक क्वेश्चन ऐसा कर लेना कि इस पेपर में दिया हुआ है तुम लोग का, ठीक है? और हम पहले ही बोले थे थ्योरी भी करना है, थ्योरी का हम
एक वीडियो पहले ही बनाए थे थ्योरी का, उसमें आंसर भी है। इधर आ रहा 32,500, इधर आ रहा 32,500, तो इधर देखो इधर कम हो रहा है इसका, इधर हो रहा है इधर कम, तो इसका इधर नेट लॉस लिखाएगा, क्या लिखाएगा, नेट लॉस 2,500, ठीक है। उसके बाद इसका भी हमको लगता है उधर, हाँ उधर ही कम हो रहा है, 16,3,1901 20,000, इधर भी कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर ही कम हो रहा है ना, 5,000, कितना कम हो रहा है, 15,000, ठीक। एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, ठीक है, स्किप नहीं करना है तुम लोग को, अभी एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंटल का ही है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी और बना रहे थे, कहीं जाना नहीं, ठीक है। डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन बताने जा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूनिट वाला क्वेश्चन एकदम प्रोसेस से ही बनेगा, क्या बनेगा, एकदम दुट्टो प्रोसेस से बनेगा, जैसे बता रहे क्वेश्चन अगर उलट भी दिया, अमाउंट बदल भी दिया, तो सिर्फ आप लोग को भी अमाउंट बदलते जाना है और बनते चल जाएगा। तो क्या लिख रहा है, परचेज का ध्यान से तुम लोग भी क्वेश्चन देखो, मैं एक्स डिपार्टमेंट का 1,000 यूनिट है, वाई डिपार्टमेंट का 2,000 यूनिट है, जेड डिपार्टमेंट का कितना है, 2,400 यूनिट है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है यूनिट में, लेकिन एक चीज और क्या है, जो यूनिट जो दिया हुआ है परचेज यूनिट, उसका कॉस्ट दिया हुआ है 1,00,000, ये हमेशा दिया रहेगा तभी बनेगा। सेल्स भी हम लोग का दिया हुआ है, सेल्स में हम लोग का यूनिट भी दिया और सेलिंग प्राइस भी दिया है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हम जैसे समझा रहे हैं वैसे बनाना, देखो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ही हम लोग को सिर्फ बनाना है। लेकिन तो देखिए बच्चों, आप लोग को कम समय लगने के लिए हम लोग जो जो क्वेश्चन में जो दिया है उसको डिटो पुट कर दिए, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है, परचेज का यूनिट दिया हुआ है, सेल्स का यूनिट और सेलिंग प्राइस दोनों दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे, जो निकालना है वो भी आप लोग को बना के बता रहे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है कि जो परचेज यूनिट देता है ना उसका कॉस्ट भी देता है, ठीक है, जो परचेज यूनिट देता है उसका भी कॉस्ट, इसमें जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बता रहे वैसे वैसे स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन में हम लोग को क्या करना है, परचेज यूनिट, देखिए ध्यान से, यहाँ जो परचेज यूनिट है उसको सोल्ड करना है एट सेलिंग प्राइस, एट सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस ये बोला 20 रुपया सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को पता है ना पर यूनिट कितना बेचना है। तो देखिए एक्स का 1,000 यूनिट है, अगर हम लोग इसको 20 रुपया करके बेचते हैं तो 20,000 रुपया होगा, ठीक है। जिसमें जैसे स्टेप बता रहे, क्वेश्चन चेंज भी हो जाएगा तो सेम स्टेप से बनेगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होते चल जाएगा। 2,000 × 22.50 रुपया सेलिंग प्राइस से देखना है हम लोग का 45,000, ठीक है। जेड का 2,400 × 25, ठीक है, 2,400 × 25 60,000, हम लोग सबको जोड़ेंगे तो आएगा 1,25,000। ये क्वेश्चन लगभग सब बुक और गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकल गया कितना निकला, 1,25,000। अब हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में कि जो परचेज यूनिट है टोटल का कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, कितना है 1,00,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 1,25,000 माइनस 1,00,000, ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 25,000। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि आप अगर अनूप कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें इस प्रकार का जितना वीडियो है वो फ्री में एक जगह किया हुआ है, ठीक है, फ्री वाला भी है, कोर्स वाला भी, क्रेश कोर्स भी एक है, ठीक है। तो आप लोग जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो स्टोर सेक्शन में कोर्स दिखेगा और फ्री स्टडी मटेरियल में वीडियो सेक्शन में पूरा वीडियो दिखेगा सब चैप्टर का, ठीक है। ये हो गया, तो हम लोग का पहला स्टेप में हम लोग ग्रोस प्रॉफिट निकल गया 25,000 रुपया। अब हम लोग को निकालना है परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन, हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकालना है, किस पे निकालना है, सेल्स प्राइस पर, ठीक है। स्टेप टू हो गया ये, स्टेप टू, ठीक। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कितना आया, 25,000, 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 1,25,000 आया ना सेलिंग प्राइस, यहां पर 25 मतलब 20% आ रहा है, हम लोग निकाल लेंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। आप बताए
पूछना है कि कुछ पॉइंट क्यों निकाल रहे, तो देखो ध्यान से सुन लो, सेल्स छोड़ के ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी चीज लिखाता है, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और ओपनिंग स्टॉक, हमेशा कॉस्ट पे रहता है। किस पे रहता है? कॉस्ट पे। इसलिए कॉस्ट निकालना हम लोग को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप में हम लोग जो परचेज यूनिट रहेगा उसको सेल्स प्राइस पर हम लोग सेल करके देखेंगे, देखेंगे कितना ज्यादा आ रहा, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, तो ग्रॉस लॉस निकलेगा जो निकलेगा। कॉस्ट पर यूनिट बराबर क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट बराबर, ठीक है, हम लोग का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट, माइनस प्रॉफिट निकाल दो एक्स का। देखो एक्स का कितना पर यूनिट है? बीस रुपया माइनस 20% बोलेगा। देखो यहीं पर जरूरत पड़े, जब हम लोग सेल्स पे क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सेलिंग पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 4 रुपया चल गया, 16 रुपया। वाई का 22.50 रुपया है माइनस 22.50 रुपया का 20%, ठीक है, 4.5 रुपया आएगा तो 18 रुपया ही हो जाएगा। जेड का, जेड है 25 रुपया माइनस 25 का 20%, 5 रुपया, मतलब 20 रुपया। एक चीज तो हम लोग को पता चल गया कि कॉस्ट पर यूनिट निकल गया। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना, ओपनिंग स्टॉक जितना पहले से सामान है वाला जितना खरीदे, ठीक है, पर यूनिट निकल जाएगा, और जितना बेच दिए वो चल जाएगा, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो इसी तरह किसका निकालेंगे? सबसे पहले एक्स का निकालेंगे, ठीक है ना। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना हम लोग का? 120, खरीदे कितना? 1000 यूनिट, बेचे कितना? 1020 यूनिट, ठीक है, सट जा रहा है। वाई का हम लोग ओपनिंग 80 है, और जेड का ओपनिंग है 152, प्लस 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 इसका परचेज है कितना? 2024, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दे रहे हैं, प्लस क्या 2000 और इसका 2400, ठीक है, माइनस माइनस सेल्स 19, 20 और 24, 96। देखो ध्यान से, सब क्वेश्चन आता ही नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम बना के समझा रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्ट वहाँ बनाना रहेगा। 1000 माइनस 10, 20, 100 यूनिट इसका आया, ठीक है, इसका आया 80 प्लस 2000 माइनस 1920, 160 इसका आया, यूनिट आ रहा है सब, ठीक है ना। उसके बाद 152 प्लस 2400 माइनस 2496, 56 यूनिट इसका आया। देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन समझो बन गया, अब क्या करना है, सबको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, लिखना है मल्टीप्लाई करके, 16, 18, 16, 18 कितना 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20। अब देखो तुम लोग क्या करना, सुन लो, मल्टीप्लाई करके एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर, वाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर, जेड का मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे कर देना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक। अब जो इधर कम होगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा? ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आता है, हम लोग को मेन ये स्टेप याद रखना है। चलो एक चीज और बता देते हैं, स्किप नहीं करना क्योंकि ईमानदारी से तुम लोग यहाँ तक देख रहा है, स्किप नहीं करना है भी, ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ ग्रोस लॉस आ जाता है, क्या आ जाता है? ग्रोस लॉस, तो कहाँ फॉर्मूला चेंज होगा? ग्रोस लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ग्रोस लॉस का परसेंटेज निकालेंगे, जहां माइनस प्रॉफिट किए हैं ना वहां प्लस ग्रोस लॉस हो जाएगा, और कहीं कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। इसी प्रकार का और वीडियो आएगा, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।